मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। क्या इजराइल हमास के बीच होने वाला है कोई समझौता? नेतन्याहू ने कही ये बात, बाइडेन को दिया धन्यवाद। इसराइल और हमास के बीच बंधकों को रिहा करने को लेकर एक समझौते को लेकर बातचीत हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है। खबरों के अनुसार इसराइल, अमेरिका और हमास के बीच बंधकों को रिहा करने का यह समझौता होने जा रहा है। इस समझौते के तहत इसराइल 5 दिनों तक गाजा में सीज फायर को मंजूरी देगा। हालांकि इसराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने किया इनकार। आपको बता दें कि इसराइल पर इन दिनों भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वह गाजा में अपनी सैन्य कार्यवाही रोके। वहीं इसराइल की सरकार साफ कर चुकी है कि जब तक उसके बंधक रिहा नहीं हो जाते और हमास का खात्मा नहीं हो जाता, वे अपना ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अभी तक की लड़ाई में हमने काफी कुछ हासिल किया है। हमने हजारों हमास के आतंकियों को ढेर किया है और इनमें हमास के वरिष्ठ कमांडर भी शामिल हैं। हमने सुरंगें तबाह की हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी माना कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कथित समझौते को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो वह इसके बारे में जानकारी जरूर देंगे। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति को कहा धन्यवाद। आपको बता दें कि अब बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सरकार पर आंतरिक दबाव भी बन रहा है। शनिवार को यरूशलम में हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर बंधकों को जल्द रिहा कराने की मांग की। लोगों ने नेतन्याहू सरकार की भी आलोचना की। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमेरिका की तरफ से लगातार अहम हथियार और रक्षा उपकरण भेजे जा रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस में भी इसराइल को पूरा समर्थन मिल रहा है। अलशिफा अस्पताल से निकाले जाएंगे मरीज। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐलान किया है कि इसके अधिकारी गाजा के अलशिफा अस्पताल से मरीजों और स्टाफ सदस्यों को अगले 24 से 72 घंटे में निकालने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अभी भी 25 स्टाफ सदस्य और 291 मरीज अस्पताल में मौजूद हैं। वहीं इजरायली सेना भी अस्पताल में अपना ऑपरेशन चला रही है। अलशिफा अस्पताल के मरीजों को नासिर अस्पताल और यूरोपियन अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि ये दोनों अस्पताल पहले से ही तय सीमा से ज्यादा मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे में और मरीजों के आने से इन अस्पतालों में हालात और खराब हो सकते हैं।